ये वीडियो है नॉर्थ कोरिया के स्टेट ब्रॉडकास्टर का, जिसमें वो किम जोंग इल, नॉर्थ कोरिया के सेकंड लीडर की डेथ अनाउंस कर रहे हैं। 2011 स्टेट मीडिया ने ये अनाउंस किया कि उनकी डेथ एक हार्ट अटैक से हुई थी। वास्तव में उनकी मृत्यु 2 दिन पहले ही हो गई थी, पर बाहर की दुनिया को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। आउटसाइड वर्ल्ड को उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में पहली बार पता चला था 3 साल पहले, यानी कि 2008 में, जब देश की 60th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशंस के दौरान उन्होंने वीडियो फुटेज ऑब्जर्व करी और ये पाया कि कंट्री के लीडर उस सेलिब्रेशन में मिसिंग थे। US इंटेलिजेंस का दावा था कि किम जोंग इल एक स्ट्रोक से गुजरे हैं, पर नॉर्थ कोरियन डिप्लोमैट्स ने इस बात को नकार दिया था। अगर हम 2020 में फास्ट फॉरवर्ड करें तो ये बर्थडे सेलिब्रेशंस है किम इल सुंग की, जो नॉर्थ कोरिया के फाउंडर थे। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, एक्सेप्ट किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के करंट लीडर, मिसिंग थे। आखिरी बार उनको पब्लिक में 11 अप्रैल यानी कि करीब 3 हफ्ते पहले देखा गया था। किम जोंग उन की एब्सेंस की वजह से कई लोग फिर ये सोचने लग गए कि क्या उनकी हेल्थ ठीक भी है या नहीं। अगर आप ये वीडियो इस उम्मीद में देख रहे हैं कि आपको एक कंफर्म रिपोर्ट मिल जाएगी कि किम जोंग उन कैसे हैं और कहां पर हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा। नॉर्थ कोरिया एक हाईली सीक्रेटिव स्टेट है, स्पेशली अपने लीडर की हेल्थ के बारे में, और ऐसा कई नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स ने भी कहा है। ये सीक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि US गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वो सर्वेलेंस प्लेन्स उड़ा रहे हैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर से। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के बावजूद ये जानना कि नॉर्थ कोरिया में क्या पॉसिबिलिटीज है, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किम जोंग उनके पास एक बड़ी न्यूक्लियर आर्सेनल है और उनके पास ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जो नागासाकी और हिरोशिमा में गिरे थे उनसे कई ज्यादा पावरफुल हैं। और एक इंटरनल पावर स्ट्रगल नॉर्थ कोरिया में बहुत ही खतरनाक हो सकता है हमारे वर्ल्ड के लिए। इसलिए इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। पहला कि किम जोंग उनकी हेल्थ के बारे में क्या पॉसिबल सिनेरियोज हैं, और दूसरा अगर उनकी हेल्थ को कुछ हो जाता है तो कौन से पॉसिबल लोग हैं जो उनको सक्सीड कर सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने 4 पॉसिबल सिनेरियोज के बारे में बात करी है किम जोंग उनकी हेल्थ के बारे में। पहला सिनेरियो है कि वो एक सर्जरी से अभी रिकवर कर रहे हैं। डेली नॉर्थ कोरिया एक सोल के न्यूज आउटलेट ने ये बताया कि किम जोंग उन एक कार्डियोवैस्कुलर सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरे थे पिछले हफ्ते और वो अब रिकवर कर रहे हैं, जबकि CNN ने ये दावा किया कि किम अभी बहुत ज्यादा खतरे में है अपने सर्जरी के बाद। ब्लूमबर्ग ने भी ये रिपोर्ट किया कि किम अभी क्रिटिकल कंडीशन में है। न्यूज रिपोर्ट्स ने ये भी बताया कि चाइना, जो एक नॉर्थ कोरिया का आला है, उसने एक टीम ऑफ डॉक्टर्स भेजी है नॉर्थ कोरियन लीडर को देखने के लिए। किम जोंग उन कई हेल्थ इश्यूज से गुजरते हैं, ये कोई नई खबर नहीं है। उनकी हाइट 5 फीट 7 इंचेस है पर उनका वेट करीब 135 किलो है, यानी कि उनका BMI है क्लोज टू 45, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीमली ओबीस कैटेगरी में आते हैं। इसी वजह से ये पॉसिबिलिटी कोई नई नहीं है, पर कई रिपोर्ट्स के हिसाब से तो वो ऑलरेडी ब्रेन डेड या फिर एक वेजिटेटिव स्टेट में है, यानी कि वो हिल नहीं सकते। तीसरा सिनेरियो है कि किम जोंग उन अभी क्वारंटीन में है COVID-19 से बचने के लिए या फिर COVID-19 से रिकवर करने के लिए। जूंगांग डेली, जो एक साउथ कोरियन न्यूज़पेपर है, उन्होंने ये कहा कि उनके एक चाइनीज सोर्स के हिसाब से उनके एक बॉडीगार्ड को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो चुका है, और सैटेलाइट इमेजेस के हिसाब से किम की पर्सनल ट्रेन और उनकी लग्जरी बोट्स उनके लग्जरी रिजॉर्ट के पास हैं जो वॉनसान शहर में है, और ये हो सकता है कि वो उधर क्वारंटीन में है अभी। और फाइनल सिनेरियो है कि किम जोंग उन एक बहुत ही बड़ा मूव प्लान कर रहे हैं अभी। 2014 में जब वो बहुत टाइम से मिसिंग थे, उसके कुछ दिन बाद ही नॉर्थ कोरिया ने एक बहुत बड़ा साइबर अटैक लॉन्च किया था सोनी पिक्चर्स के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने द इंटरव्यू एक मूवी रिलीज करी थी जिसमें एक CIA प्लॉट दिखाया जाता है किम जोंग उन को मारने का। नॉर्थ कोरिया में मोस्ट चीजों की तरह किम फैमिली के बारे में जानकारी भी इतनी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये गेस करना कि कौन सक्सीड करेगा उतना ही मुश्किल हो जाता है। किम जोंग उन 3rd जनरेशन लीडर हैं जिन्होंने नॉर्थ कोरिया को रूल किया है, और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कल्ट बनाया गया है उनकी इमेज के ऊपर, पर ऐसा ही हुआ था उनके फादर और ग्रैंडफादर के साथ। नॉर्थ कोरिया में ये माना जाता है कि किम फैमिली की ब्लडलाइन एक स्पेशल ब्लडलाइन है, जिसकी वजह से बस उनके ही मेंबर्स डायरेक्टली रूल कर सकते हैं नॉर्थ कोरिया को। इसलिए जो प्राइम कैंडिडेट्स होंगे किम जोंग उनके बाद, वो भी शायद उनकी फैमिली से ही होंगे। ये माना जाता है कि किम जोंग उनके 3 बच्चे हैं। इसके बावजूद कि इस फैक्ट को कभी भी नॉर्थ कोरियन मीडिया ने कंफर्म नहीं किया है और उनके किसी भी बच्चे की पब्लिकली फोटो रिलीज भी नहीं की गई है। उनके सबसे बड़े बच्चे की उम्र है 10 साल, इसलिए एब्सोल्यूट पावर देना एक 10 साल के लड़के को हाईली अनलाइकली है। ये हो सकता है कि एक केयर टेकर लीडर की पोजीशन बना दी जाए तब तक जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं होते।
इसीलिए अब उनके दूसरी फैमिली मेंबर्स पर नजर डालते हैं। किम अपने परिवार के सबसे छोटे भाई हैं। टिपिकली सबसे बड़े लड़के को सुप्रीम लीडर का टाइटल दिया जाता है, पर किम जोंग उनके केस में सबसे छोटे होने के बावजूद उनको ये टाइटल मिल गया था। किम जोंग उनके सबसे बड़े भाई किम जोंग नाम फेवरेट माने जाते थे सुप्रीम लीडर बनने के लिए, पर 2001 में वो टोक्यो में अरेस्ट हो गए थे एक फेक पासपोर्ट पर ट्रैवल करने की वजह से। वो फिर चाइना में डिपोर्ट हो गए थे और इस इंसिडेंट के बाद वो अपने पिताजी के फेवरेट नहीं रहे थे। 2017 में एक मलेशियन एयरपोर्ट में उनकी असैसिनेशन की गई थी एक बैंड केमिकल सब्सटेंस से। रिपोर्टेडली ये असैसिनेशन किम जोंग उन ने करवाई थी ताकि उनकी लीडरशिप पर कोई खतरा ना हो। उनके दूसरे बड़े भाई किम जोंग चोल को कभी फेवरेट माना ही नहीं जाता था इस पोजीशन के लिए। रिपोर्ट्स के हिसाब से उनके पिताजी मानते थे कि वो एक छोटी बच्ची की तरह हैं। वो नॉर्थ कोरिया में पब्लिक की नजरों से दूर रहते हैं और एक प्राइवेट जिंदगी जीते हैं। फिर है किम सुल सोंग, जो किम जोंग उनकी बहन है और एक पावरफुल बिजनेस लीडर है नॉर्थ कोरिया में। एक टाइम पर यह माना जाता था कि वो किम जोंग उनकी राइवल है उनकी पावरफुल पोजीशन की वजह से, पर क्योंकि अब वो एक स्ट्रांग प्लेयर है नॉर्थ कोरिया की पॉलिटिक्स में, हम ये समझ सकते हैं कि वो इस पोजीशन में इसीलिए ही पहुंची है क्योंकि किम जोंग उनको लगता है कि वो एक थ्रेटनिंग लीडर नहीं है। फिर है किम जोंग उनकी वाइफ री सोल जू, पर उनको फेवरेट नहीं माना जाता टेक ओवर के लिए। फेवरेट है किम यो जोंग, जो किम जोंग उनकी बहन है, और कुछ एनालिस्ट के हिसाब से 90% चांस है कि वो नॉर्थ कोरिया की नेक्स्ट लीडर बन जाएंगी। वो कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स में किम जोंग उनके साथ पाई जाती हैं, जिसका ये मतलब है कि किम जोंग उन पर बहुत भरोसा करते हैं। पर नॉर्थ कोरिया मोस्टली एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि ऐसी सोसाइटी जहाँ महिलाओं को इतनी मान्यता नहीं दी जाती। मोस्ट नॉर्थ कोरिया के सीनियर पार्टी लीडर्स मेल है और नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम पीपल असेंबली में 687 सीट्स हैं और 20% महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं, पर ये रिजर्वेशन भी नाम का ही है और उनके पास इतनी रियल पावर नहीं है। इसके अलावा एक और कैंडिडेट है किम जोंग उनके अंकल किम प्योंग इल, जो एक डिप्लोमेट जरूर रहे नॉर्थ कोरिया के, पर उन्होंने कोई भी मेजर पॉलिटिकल रोल नहीं लिया है नॉर्थ कोरिया में। ये सारी ऑप्शंस जिनकी हमने बात करी वो किम जोंग उनके फैमिली मेंबर्स है। इसका ये मतलब है कि कुछ कंटिन्यूएशन होगी नॉर्थ कोरिया के पॉलिसीज में, चाहे वो नया लीडर खुद की नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करे या ना करे। पर ये भी हो सकता है कि जो ट्रांजिशन होगी पावर की वो अनस्टेबल हो सकती है, और ये बहुत डरावनी चीज़ है हमारे वर्ल्ड के लिए। और अगर किम रेजिम कोलैप्स कर जाती है तो एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है नॉर्थ कोरिया में। रिसर्च के हिसाब से फैमिली डिक्टेटरशिप्स का कोलैप्स बहुत जल्द होता है और बहुत अनएक्सपेक्टेडली होता है। कई रेजिम्स क्राइसिस के एक साल के अंदर ही कोलैप्स कर जाती हैं, और किम फैमिली के बारे में कई एक्सपर्ट्स ने ऐसी ही प्रिडिक्शन करी है। वर्ल्ड वॉर टू से 18 में से 12 फैमिली डिक्टेटरशिप्स खत्म हो गई हैं और उन्होंने 32 साल रूल किया ऑन एवरेज, जबकि किम फैमिली 7 दशक से रूल कर रही है इकोनॉमिक क्राइसिस, इंटरनेशनल सैंक्शंस और 2 ट्रांजिशंस ऑफ पावर के बावजूद। अगर किम फैमिली रेजिम कोलैप्स कर जाती है तो एक इंटरनल पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो सकता है नॉर्थ कोरिया में, और इस स्ट्रगल में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री के पास एडवांटेज होगी क्योंकि वो वन ऑफ द ओनली इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस है नॉर्थ कोरिया में। अगर ऐसा होता है तो अपनी लेजिटिमेसी प्रूव करने के लिए वो शायद एक लिमिटेड कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं यूएस और साउथ कोरिया के खिलाफ, और एक्सपर्ट्स की माने तो नॉर्थ कोरिया के साथ एक लिमिटेड वॉर भी लाखों लोगों की जान ले सकती है। सैटेलाइट इमेजरी को यूज करके और ह्यूमन इंटेलिजेंस पर निर्भर करने के बावजूद हम गारंटी से ये नहीं कह सकते ये सारे एनालिस्ट की प्रेडिक्शन सही होगी। 2014 में किम जोंग उन एक महीने से डिसअपीयर हो गए थे और लोग ये कह रहे थे कि कू से उनकी पोजीशन हटा दी गई है, पर नॉर्थ कोरियन मीडिया की फोटोज देखने के बाद साउथ कोरियन इंटेलिजेंस ने ये कहा कि वो एंकल सर्जरी से गुजरे थे। 2015 में एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर ने ये कहा कि किम जोंग उन ने अपनी आंट को मार दिया था पॉइजन से, पर कुछ टाइम बाद उस आंट को वापस देखा गया। ऐसी खबरें नॉर्थ कोरिया के बारे में 2 कारणों की वजह से आती हैं। पहला कि इंटरनेशनल मीडिया के पास इतनी जानकारी नहीं है नॉर्थ कोरिया के बारे में, और दूसरा कि कंपटीशन की वजह से कई इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ड्रामेटिक होने की कोशिश करते हैं। कई इंटरनेशनल न्यूज आर्टिकल्स बस सिंगल सोर्स होते हैं, यानी कि उनको किसी और सोर्स ने वेरीफाई नहीं किया होता है। जैसे ये CNN आर्टिकल जिसने किम जोंग उन के मिसिंग होने की खबर को एक ग्लोबल स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया, पर ऐसे आर्टिकल्स के बावजूद साउथ कोरिया और US से कोई मेजर रिएक्शन नहीं आया है। हाँ, ये भी है कि रेयर ओकेजंस में ये रूमर्स सही भी रही हैं। जैसे 2008 में जब किम जोंग उनके पिताजी किम जोंग इल मिसिंग थे कई महीनों से, तो साउथ कोरियन एनालिस्ट ने ये कहा था कि वो एक हार्ट स्ट्रोक से गुजरे हैं, जिसके बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। किम जोंग उन कहाँ हैं और कैसे हैं, ये हमारी दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरीज में से एक है।
इसीलिए ही नहीं क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक मिस्टीरियस कंट्री है, पर इसलिए भी कि किम जोंग उन के कंट्रोल में इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जो लाखों करोड़ों लोगों को कुछ ही सेकंड में मार सकते हैं। इसलिए ये जानना कि उस देश में क्या चल रहा है बहुत ही जरूरी है।